हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम यूनिवर्सिटी में एफओआईपी सेमेस्टर 2 2023 से 27 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे, आप बीए बीएससी बीकॉम, आप किसी भी कैसे ऑनर्स पेपर कर रहे होंगे या मेजर पेपर जिसे आप लोग कहते हैं, तो आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप परीक्षा कब से होगा, प्लस आप सभी बच्चे जो भी बच्चों का सेमेस्टर 1 में फेल आया था तो वो बच्चों का या फेल या प्रमोट जो भी आया होगा तो आप सभी बच्चे अपना सेमेस्टर 1 का पेपर किस प्रकार क्लियर करिएगा, ये सारे के सारे जो डाउट्स है वो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है। कुछ आप पूछना रहे तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पूछ सकते हैं, और कोई नोटिफिकेशन आता कॉलेज का तो हम लोग टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, वहाँ पर जुड़ना जुड़ लीजिएगा, और जो भी सोशल मुद्दे रहते हैं वो हम ट्विटर पर भी शेयर करते हैं, तो वहाँ फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि पहले सेमेस्टर 1 में जिनका भी देखिए बैक लगा है 2023 से 27 सेशन का, ठीक है, तो आपका टोटल 6 पेपर था भाई, मेजर, माइनर, एमडीसी, एसी, वीएसी और सेट पेपर। इस प्रकार आपका जिस भी पेपर में 6 पेपर में बैक लगा है, अभी वर्तमान में जब सेमेस्टर 1 इस साल जो बच्चे एडमिशन लिए 2024 में, तो 24-28 सेशन का देखिए जब पेपर होगा ना, जो कि कब होगा भाई, आपका ये जनवरी में पेपर होगा, जनवरी फरवरी टाइम में जब पेपर होगा तो आपका जिस भी पेपर में बैक लगा है उस पेपर को आपको देखिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो इस सेशन के साथ अपना जो भी पेपर में फेल है प्रमोट है वो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, पहला तो ये समझ जाइए। और चेक कैसे करिएगा कि आप किसी कौन से सब्जेक्ट में फेल है, बेसिकली कौन से फेल है, तो आप 40% निकाल लीजिएगा। 40% मतलब बच्चों 2/5 आपका जितना ही नंबर का पेपर था, 50 नंबर का था तो भाई 2/5 से गुना कर लेना, इतना उम्मीद करता हूँ, कैलकुलेशन आता होगा और आपका जो भी आएगा वैल्यू उस हिसाब से आप लोग क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा कि आपको किस पेपर फेल है और किस पेपर प्रमोट लगा हुआ, ठीक है। अब देखिए, आप सभी बच्चों का जो सेमेस्टर 2 होगा, देखिए हमने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी भाई हमारा महान, सेमेस्टर 2 आपका देखिए, आपने जब एडमिशन लिया था तो आपसे बच्चों को मालूम होगा सेमेस्टर 1 आपका जो पेपर बेसिकली वास्तविकता में 6 महीने के बाद होना चाहिए, भाई 6 महीना आपका बीत चुका है। आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 2 का जो सेशन होता है वो सितंबर तक लगभग लगभग यूनिवर्सिटी तक पेपर कंडक्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन क्या बोला जाए हमारा यूनिवर्सिटी, तो भाई यूनिवर्सिटी रहेगा किसी एक सेमेस्टर में भाई पूरा टाइम देगा, किसी जो लास्ट सेमेस्टर रहेंगे ना उसमें 2 महीना 2.5 महीना करके आपका पेपर कंडक्ट कराएगा। तो सेमेस्टर 2 23-27 सेशन देखिए जो कि अब सितंबर में भाई नहीं होने वाला, जान लीजिए अब ये पेपर या तो अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद, मतलब दुर्गा पूजा दीपावली के बीच में जो समय रहता है, अगर उस समय अंतराल पर हो गया तो ठीक है, वरना ये कहा जाए तो भाई 15 नवंबर के बाद खींचा के चला जाए, क्योंकि उस टाइम छुट्टी भी रहता है और सारा पेपर कंडक्ट होने संभव रहता है, इसलिए सेमेस्टर 2 का जो पेपर होगा इस बीच हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 2 वो नवंबर के बाद मान के चलिएगा। और सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप भी भाई लगभग ये एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले होता है, अगर अक्टूबर में होना रहेगा 15 या 20 अक्टूबर के बाद मान के चलते हैं, तो आप सभी बच्चों का 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर फॉर्म फिलअप शुरू हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है। तो आप सभी बच्चे सेमेस्टर 2 का जो भी पेपर हमने बताया हुआ था, आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा, क्या पेपर पढ़ना है, और सबसे जरूरी बात माइनर पेपर सिलेक्शन से करिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चे देख रहे होंगे 22-26 सेशन जो भी आपके सीनियर है उनको बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, उस दिक्कत से बच कर लीजिएगा। इसलिए आप सभी बच्चों के लिए हमने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ था कि सेमेस्टर 2 में माइनर पेपर क्या रखना है, प्लस सिलेबस क्या मिलेगा, सब कुछ पढ़ाया हुआ, तो अगर अभी से आपको प्रिपरेशन करके रखिएगा आपके लिए बाकी सही है। और आप सभी बच्चों का देखिए अभी वाला हमारे कुछ पेपर चल रहे थे जिससे हम लोग बिजी चल रहे थे, लेकिन अब हमारे पेपर हो चुके हैं तो हम लोग धीरे धीरे करके आप सभी बच्चों जो कंटेंट रहेगा तो वो सब कुछ पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद और जय भारत।